फैसला लिया है कि सभी जो स्पॉट मार्केट है वहाँ पे वाइन शॉप मिलेगी। देखिए वाइन बीजेपी जो है इसका विरोध कर रही है, किसान का विरोध। बीजेपी विरोध करे तो क्या करे, हमको राज्य सरकार चलानी नहीं है क्या? देखिए ये किसानों के हित का निर्णय है, वाइन ये कोई लिकर नहीं है। पहली बात, किसान जो होता है वो चाहे क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप्स और भी फलों का उत्पादन करता है, उनसे वाइन बनता है। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के ये जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है तो ठीक है, तो किसानों के बारे में बात करना बंद कर लीजिए। जब भी कोई निर्णय आता है तो ये विरोध करते हैं, विरोध करना उनका काम हो गया है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वाइनरी की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री से किसानों को भी उनको एक फिनेंशियल हेल्प मिल रहा है, आर्थिक हेल्प मिल रहा है। खड़गे साहब ने क्या गलत कहा है, पूरे पब्लिक सेक्टर बेच दिए, जहाँ सरकारी नौकरी की सबसे बड़ा एक सूत्र था, सभी बड़े बड़े सरकारी उद्योग वो भी अपने दोस्तों को बेच दिए, और अब कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने शुरू किया उस कंपनी में। तो खड़गे साहब ने जो कहा है ये सही है, और हमें भी ये भय है कि धीरे धीरे पूरी सरकार भी कोई उद्योगपति को चलाने को दे सके।